क्या आपको किसी की बताई सारी बातें याद नहीं रहती? क्या आपका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है? क्या आपकी मेमोरी भी बहुत खराब है? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिम क्विक की लिखी बुक लिमिटलेस की समरी शेयर कर रहे हैं, जिसमें ऑथर ने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है कि कैसे हम बातें याद रख सकते हैं और उनमें एक्सपर्ट बन सकते हैं, और कैसे हम अपना आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हैं। मेमोरी शार्प करने के लिए हमें किन आदतों को बदलना पड़ेगा और कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें अपना आईक्यू लेवल बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नॉलेज पावर है तो रीडिंग सुपर पावर है। रीडर्स हमेशा रीडर्स होते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि वह लोग जो बुक पढ़ते हैं कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों से जो बुक्स नहीं पढ़ते हैं। उसकी मेमोरी अच्छी है या बुरी ऐसी कोई बात नहीं होती, फर्क सिर्फ ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी की होती है। ऑथर जिम कहते हैं कि बचपन में जो हमें सबसे बड़ा झूठ बताया गया है वह है कि हमारी आईक्यू फिक्स्ड है, यह गॉड गिफ्टेड होती है। वहीं आईक्यू को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। ऑथर जिम क्विक एक क्विक लर्निंग के फाउंडर हैं। वे स्पीड रीडिंग, मेमोरी इम्प्रूवमेंट, ब्रेन परफॉर्मेंस और एक्सेलरेटेड लर्निंग के लिए वर्ल्ड फेमस एक्सपर्ट हैं। पिछले लगभग 25 सालों से ज़्यादातर समय उन्होंने स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर और एजुकेटर के लिए एक ब्रेन कोच की तरह काम किया है। वहीं वह दुनिया के कई वर्ल्ड लीडिंग CEOs व सेलिब्रिटीज के लिए एज अ एडवाइजर भी काम करते हैं। लिमिटलेस बुक से आप अपने परसीव्ड लिमिटेशन से ब्रेक फ्री होने के लिए जिम की स्ट्रेटजी और शॉर्टकट सीखेंगे। आप सीखेंगे कि दिमाग को तेज करना, फोकस बढ़ाना, अपने फुल कैपेसिटी से अपने दिमाग को सिंपल एक्शनेबल टूल्स के साथ कैसे बदला जा सकता है। पूरी बुक को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, माइंडसेट, मोटिवेशन, मेटा लर्निंग और मिशन। आप अपने सभी मिथ को फाइंड आउट कर पाएंगे जिसको आपने आईक्यू एबिलिटीज और स्किल सेट बना रखा है। आप यह भी सीखेंगे कि अपनी लाइफ के 4 सुपर विलन्स डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल डेमेंशिया, डिजिटल डेल्यू और डिप्रेशन से कैसे जीतेंगे। मोस्टली लोग अपनी खुद की बनाई हुई लिमिटेशंस की वजह से अपने लाइफ के ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते। हमें यह समझना होगा कि हम सभी के अंदर सुपर पावर है। इन सुपर पावर्स की है खुद को अनलिमिटिंग करना। इस बुक की कुछ जबरदस्त टिप्स अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, किल योर आंट्स ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ऐसा हम सभी के साथ होता है कि हम लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाते हैं, जिसकी वजह से उन चीजों को दोबारा न कर पाने का हमारा बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की वजह से नेगेटिव बन जाता है। इसलिए आप अपने माइंड में आने वाले एंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। हमेशा यह प्रयास करें, हाउ कैन आई लर्न दिस, यानी इसे हम कैसे सीख सकते हैं। अपने माइंड को फिट रखने के लिए जो संभव हो उसे हटाइए। हर संभव चीज को फिट करने के लिए अपने माइंड को एक्सपेंड कीजिए। अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ कैसे अट्रैक्ट करें, इसे डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो समरी के अलावा लिमिटलेस बुक की समरी कुकू FM ऐप पर भी सुन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दुनिया की बेस्ट किताबों को सिर्फ हिंदी में ही नहीं अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। इसे आप सबको वो नॉलेज मिलेगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कुकू FM पर आपको 10,000 से भी ज़्यादा बुक समरीज मिलती हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी और आपके गोल्स को अचीव करने में मोटिवेट करेगी। इंडिया की बेस्ट ऑडियो बुक समरी ऐप कुकू FM को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ पाने के लिए DVOBF3577 कूपन कोड जरूर यूज करें। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM ऐप और यूज कीजिए DVOBF3577 कूपन कोड। सेकंड, क्वेश्चन योर क्वेश्चंस। हमारे सेंसर्स हर सेकंड में 11 मिलियन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप सभी इंफॉर्मेशन को एक बार में इंटरप्ट नहीं कर सकते।
हमारे ब्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे इंफॉर्मेशन को डिलीट करें या फिर ब्रेन के बाहर रखें। हमारा कॉन्शियस माइंड टिपिकली 50 बिट्स पर सेकंड की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास फिल्टर होकर आती है, हमारे माइंड के छोटे से पार्ट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के द्वारा असाइन किया जाता है, जो कि गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करता है। यह मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है, बार बार रिपीट होने वाली इंफॉर्मेशन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव रहता है। इसलिए RAS को गाइड करने के लिए हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, जिससे कि वह हमारे माइंड को बेस्ट इंफॉर्मेशन फिल्टर करके दे सके। थर्ड, इमेजिन व्हाट यू वांट द मोस्ट। एक पल के लिए आप सारे डिसएडवांटेजेस को लिखो। जैसे कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते। शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं एक अच्छी जॉब नहीं पा सकता, न ही लोग मुझे पसंद करते हैं। अब आप सारे एडवांटेजेस को लिखो, जैसे कि मैं चाहता हूँ उसे मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीख सकता हूँ। मैं एक अच्छी जॉब पा सकता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है। खुद को हेल्दी रखने के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब आप दोनों सिचुएशंस को स्पेसिफिक करके देखो, फील करो, विश्वास करो और तब डेली इस पर काम करो। फोर्थ, नॉलेज इज द पावर। यह फ्रेज हमने कई बार सुना होगा, जैसे कि नॉलेज ही हमें पावर देगा। यह इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उतना नहीं। यह सिर्फ एक दिखावे की तरह है। इससे हमें पावर बनानी पड़ती है, यही हम फंस जाते हैं। नॉलेज खुद में पावर नहीं है, जब तक कि हम इसके पोटेंशियल्स को कहीं अप्लाई नहीं करते। जैसे कि आप इस समरी को हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर्स गाइड पर सुन रहे हैं, यह नॉलेज तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करते। आज से ही आप अपने लिए एक नया पावरफुल बिलीफ सिस्टम बनाइए और नॉलेज को पावर बनाइए। दोस्तों, हम रोज नई नई बुक्स ढूंढते हैं और रिव्यू करते हैं। अगर आप भी राइटर हैं और अपनी बुक को रिव्यू या पब्लिश कराना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टेक्ट करें। लिमिटलेस बुक आपके लिए एक वरदान हो सकता है, इसे डिटेल में जरूर पढ़ें। इस बुक को आप Amazon से खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिफ्थ, चूज वाइजली। फ्रेंच फिलोसोफर जीन पोल सात्रे के अनुसार हमारी लाइफ बी और डी के बीच में फंसी है, मतलब कि हम जो लाइफ जीते हैं वह हमारी चॉइस होती है, बर्थ और डेथ के बीच में। लिमिटलेस होना पूरी तरह से आपकी चॉइस है, इसलिए हमेशा बिना किसी की परवाह किए सही चॉइस का डिसीजन ले, जो आपके लाइफ के गोल को बहुत जल्दी अचीव करने में आपकी मदद करेगा। सिक्स, स्टार्ट न्यू हेल्दी हैबिट्स। अब आप टॉप 10 हेल्दी फ्रूट्स के बारे में जानेंगे, जो आपको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करेगा। फर्स्ट, एवोकेडो। इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो हेल्दी ब्लड फ्लो बना के रखने में हेल्प करता है। सेकंड, ब्लूबेरी। यह ब्रेन के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही ब्रेन को यंग बनाए रखने में हेल्प करता है। थर्ड, ब्रोकली। यह विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, जो कि मेमोरी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है। फोर्थ, डार्क चॉकलेट। यह फोकस ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, साथ ही एंडोर्फिन्स को स्टिमुलेट करता है। फिफ्थ, एग्स। यह मेमोरी इम्प्रूविंग और ब्रेन बूस्टिंग में आपकी हेल्प करता है। सिक्स्थ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यह विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, जो कि ब्रेन एजिंग के इफेक्ट को कम करता है। सेवेंथ, सैल्मन फिश। इसमें ओमेगा 3 जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपकी ब्रेन एजिंग को कम करते हैं। एट्थ, टर्मरिक। यह ब्रेन में एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बूस्ट करता है, साथ ही ब्रेन के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। नाइन्थ, वॉलनट्स। यह ब्रेन को हाई लेवल एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है। टेंथ, वाटर। हमारे शरीर में 80% वाटर होता है। इसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमें थकान होती है, हमारे रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, हमारे सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। सेवेंथ, लिसन विद योर होल ब्रेन।
लर्निंग स्किल को अनलिमिटेड करने के लिए लिसनिंग स्किल्स को फुली ट्यून अप करना होगा। लिसनिंग और लर्निंग के बीच बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। थॉमसन और कार्नेगी ने एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को 400 वर्ड्स पर मिनट डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन हम जब किसी की बातें सुनते हैं तब 125 वर्ड्स पर मिनट ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसका मतलब कि हमारा 3/4 दिमाग कुछ और काम कर रहा होता है। 8. लर्न फास्टर। इस तकनीक को सीखने के लिए ऑथर ने 5 तरीके बताए हैं। फर्स्ट, फोकस। सबसे जरूरी बात, आपको अपना फोकस बढ़ाने के लिए आपको 3 चीजें टेम्पररी हटानी होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ताकि हमारा माइंड पूरी तरह से खाली रहे। क्योंकि जल्दी सीखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा दिमाग खाली है। जो चीजें आपको हटानी पड़ेंगी वह है व्हाट यू ऑलरेडी नो, व्हाट इज नॉट अर्जेंट एंड योर लिमिटेशंस। यह तीनों चीजें आपको परमानेंटली अपने माइंड से हटानी पड़ेंगी। सेकंड, एक्ट। हमारा ह्यूमन ब्रेन कंसेप्शन द्वारा उतनी चीजें नहीं सीख पाता जितना वह क्रिएशन से सीखता है। इसलिए आप खुद से सवाल पूछिए, आप किस तरह की चीजें जल्दी सीख पाते हैं। उन्हीं तरीकों के नोट्स बनाओ और फिर डेली प्रैक्टिस करें। थर्ड, स्टेट। आप इस समय जिस भी स्थिति में हैं, वह आप अपने इमोशंस की वजह से हैं, जो आपके विचारों और आपकी बॉडी के फिजिकल कंडीशन की वजह से है। सीखते समय इस बात से एक्साइटेड रहें कि आप जो सीखने वाले हैं उससे आपको क्या फायदा होगा, फिर आप अपनी नई नॉलेज के साथ क्या करेंगे। जैसे कि अगर आप यह चाहते हैं कि इस बुक समरी की सारी बातें आपको याद हो जाए, तो याद होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस समय आप कितने मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड, फोकस्ड हैं। फोर्थ, टीच। अगर आप अपने लर्निंग की ग्राफ को इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर यह चाहते हैं कि इस समरी की सारी बातें आपको तुरंत याद हो जाएं, तो आपको इस इंटेंशन के साथ सीखना होगा कि मुझे यह सारी बातें किसी और को बतानी है। फिफ्थ, एंटर। हम अपने डेली लाइफ रूटीन में मीटिंग्स, सोशल गैदरिंग, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट को कैलेंडर में नोट करते हैं। ठीक इसी तरह अपनी डेली लाइफ रूटीन में पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 10 से 15 मिनट का समय निकालने के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगली कौन से बुक समरी चाहिए ये भी सजेस्ट करें। इस बुक को पूरी ज़रूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।